रोहित का ज्ञान यशस्वी ने मचाया कोहराम। जी हाँ, अब आप कहेंगे यहाँ पे कि रोहित जो खुद फॉर्म से जूझ रहे हैं, खराब फॉर्म उनकी चल रही है, उन्होंने ऐसा क्या ज्ञान दे दिया यशस्वी जायसवाल को जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में कोहराम मचा दिया। चलिए आपको सारी बात यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि इस बात का खुलासा भी यशस्वी जायसवाल ने खुद किया। मैच खत्म होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने बातचीत में बताया कि रोहित शर्मा हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि तू बिंदास खेल, जिसका मतलब ये होता है कि यशस्वी जायसवाल पर रोहित शर्मा ने कोई भी रोक टोक नहीं लगाई हुई है। फुल फ्रीडम है यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को कि जाओ बल्ला भांजो, रन बनाओ और दमदार प्रदर्शन यहाँ पे करके दिखाओ। साथ ही रोहित के बारे में आगे बात करते हुए यशस्वी जायसवाल ने बताया कि वो बतौर खिलाड़ी भी एक सीनियर के तौर पर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हर चीज पर वो मेरा ध्यान रखते हैं। यानी कि रोहित शर्मा की छत्र छाया में है यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और जम के यहाँ पर रन बना रहे हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही अपनी जगह टीम इंडिया में पक्की करते जा रहे हैं। वहीं विराट कोहली के बारे में जब उनसे पूछा गया कि विराट कोहली के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विराट कोहली के साथ खेलना एक सौभाग्य की बात है और उनके साथ क्रीज पर जब मैं खेलता हूँ तो हम जो शॉट्स खेलते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करते हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसको मैं अपने गेम में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पर यशस्वी जायसवाल का भी जलवा है, मैदान पर रन बना रहे हैं और जिनके सामने रन बना रहे हैं उन्होंने रनों का अंबार लगा रखा है और साथ ही साथ उन दो दिग्गजों से वो काफी कुछ सीख रहे हैं। एक बात तो यहाँ पे साफ है कि यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को आने वाले कई सालों के लिए एक शानदार खिलाड़ी मिल गया। आपको क्या लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में जगह मिलेगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।